नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज हमारे देश में जिस तरह से सारे हमारे देशवासी कोरोना से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक नया इतिहास है और आने वाली जनरेशन इसको भी देखेगी। और आज जिस तरह से लोग इससे प्रभावित हुए हैं, विशेष करके मैं मध्यम वर्ग और जो छोटे जो तबके के लोग हैं, आज उनके साथ जो परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी अनुमानित लागत 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस की गई है, उसके तहत जो आज हमारे फिनांस मिनिस्टर सीतारमन जी ने उसको जो जिस तरीके से लोगों के सामने में पेश किया है, उससे मैं समझता हूँ कि रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है, व्यापार का मुद्दा है, इंडस्ट्री का मुद्दा है, उसमें कुछ राहत जरूर मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी थी। इसलिए इस बात की मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि व्यापार और इंडस्ट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारे जो सैलरीड जो ग्रुप हैं, विशेष करके जो कर्मचारी जो वर्ग हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। यही एक माध्यम है जिनके जिनके द्वारा उनका घर संसार चलता है। इसलिए आज अगर हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो नेचुरल है कि एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ये कदम उठाया है, उसका मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी आशा करूँगा कि हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, वो भी इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस समस्या से कैसे उभरें। उसमें भी उन्हें केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी हमारे देश का ये जो सपना, आज जो हम एक इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। इस बात का मुझे काफ़ी भरोसा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि छोटे से छोटे वर्ग को इसमें राहत मिलेगी, उसमें मुझे कुछ बात का थोड़ा सा भ्रम हमें लगता है कि वो जो छोटे से छोटे लोग तक कैसे राहत पहुंचेगी, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बाकी तो देखिए, व्यापार के मामले में मैं मानता हूं कि बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन जो छोटा तबका है, जिसके पास ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई खाने की व्यवस्था है उसके पास में, आज जो लोग रास्ते में भटक रहे हैं, ये सब जो मुद्दा है, इस मुद्दा को भी कहीं ना कहीं मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को भी अगर गंभीरता से देखा जाए तो ये भी हमारे देश की अपनी एक धरोहर है। और इस धरोहर को देखते हुए मैं सरकार से ये भी आशा करूँगा कि बाकी अगर कहीं कुछ जगह छूट रही है, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए अगर हमें एक नए भारत का निर्माण करना है तो हम सारे वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी मैं समझता हूँ कि हम एक नए भारत का निर्माण कर सकेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे मैं पूरा कर सकूँ। हम लोग सब मिलके उस सपने को हम लोग पूरा कर सकेंगे। आइए हम लोग सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, अगर हम में कोई कमी है तो उसे हम दूर करेंगे, सरकार में अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है तो उसको भी हम मिलजुल के दूर करें, ताकि हम आने वाले समय में एक नए भारत का निर्माण करें जिसमें सभी लोग एक व्यवस्थित रूप में हम लोग दोबारा एक नए इतिहास को आरंभ कर सके। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मिता खातून, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट की भाजपा किसान मोर्चा की जीएस हूँ। मेरे तरफ से हमारे राष्ट्र नायक पीएम मोदी जी, हमारे जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं या हमारे पूरे भारतवासी में सबको मेरे तरफ से रमजान की मुबारकबाद। रोजे की इस मौके पे मैं कोशिश कर रही हूँ, जितने भी गरीब हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं मेरे इलाके में, सबको इफ्तार थोड़ा बहुत पहुंचाने की। और मैं सबको गुजारिश करती हूँ कि जिसको जिसमें ये क्षमता है कि वो गरीबों को कुछ दे पाए, कृपया वो भी इफ्तार देके गरीबों को मदद कीजिए। अभी हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस नाम का एक आतंक फैला हुआ है, जिसमें हमारे भारतवर्ष भी शामिल हो चुका है, भारतवर्ष में भी इसका इफेक्ट फैल चुका है, सब बहुत ही आतंकित है। तो हमारे जो सरकार है वो कुछ नियम लागू किए हैं, जो नियमों को कृपया पालन करें।
हमेशा हाथ धोए, मुंह में मास्क बांध के रखिए, घर से बाहर ज्यादा ना निकले, थोड़ा भी सर्दी खांसी या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, उनसे चेकअप करवाइए। हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों से मेरे आग्रह है, विनित निवेदन है कि प्लीज इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप लोग भी जुट हो जाइए और सबके साथ मिलके बाहर ज्यादा ना निकलिए और जो हमारे सरकार बोल रहे हैं पालन करने का कोशिश कीजिए और कृपया आप लोग प्लीज नमाज जो है वो घर पर ही पढ़े, ताकि ये सिर्फ मेरे या आपके लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए और अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि वो कुछ प्रॉब्लम में ना हो, प्लीज आप लोग ये मान के चलिए ताकि हमारा देश पूरा